आसमानों पर लिखा। आपने तो मुझे डरा दिया है, घर में कोई होता नहीं है और आपकी ये हालत है। डॉक्टर का तो ख्याल है आपको कुछ दिनों के लिए एडमिट हो जाना चाहिए। आपकी और रैना की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ भाभी। अगर दयामी हॉस्पिटल चली जाएंगी तो मैं तो अकेले रहूंगी, आप तो मेरे साथ नैनी भी नहीं है। नैनी का हमें क्या करना है, दयामी है ना अपनी ऐना के पास, वो ऐना को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। भी हमारी डॉल के सामने हॉस्पिटल की बातें मत किया करो। भाभी घर में आपकी तबीयत मजीद खराब हो जाएगी, मैं फ्लाइट पर भी होता हूँ तो जहन आप ही की तरफ लगा रहता है। ऐना बेटा आप कुछ दिनों के लिए अपनी मामी के पास चले जाओ, जब ताई मामी ठीक हो जाएंगी तो मैं आपको वापस ले आऊंगा, प्रॉमिस जाना। नहीं मैं मामी के घर नहीं जाऊंगी, वहां ज़ियान मुझसे बहुत फाइट करता है। पापा यू हैव टू स्टे होम बिकॉज़ ताई मामी इज नॉट वेल। ओ मेरी जान, देखो बेटी जैसे तुम्हें स्कूल जाना होता है ना जरूरी, इसी तरह बाबा को ऑफिस जाना होता है। अच्छा ये बताओ वीकेंड पर जाओगी ज़ियान के घर? नहीं वो मुझसे बहुत फाइट करता है। अच्छा चलो ठीक है, बस तुम मेरे पास ही रहना, तुम्हारी ताई मम्मी तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। ठीक है हम ऐसे करेंगे, डॉक्टर को बुला लेंगे घर, राइट? अच्छा मुझे बताओ होमवर्क कर लिया? नो अभी तक नहीं किया, फौरन जाइए और होमवर्क ख़त्म करें चले, और फिर जब तक होमवर्क नहीं खत्म होता इधर नहीं। ओके बाय ना। भाभी आप अपने साथ ज्यादती कर रही हैं और मुझे भी दुख देती हैं। मैंने डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए अप्लाई कर दिया है लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक आपको मेरी रूटीन का पता है, मैं कैसे आप दोनों को अकेला छोड़ दूं? ऐना को गवर्नेंस पसंद नहीं आती और आपको नर्स, आखिर आप दोनों का होगा क्या? या फिर कहीं तो मैं जॉब छोड़ के इधर घर बैठ जाता हूँ। बच्चों वाली बातें मत करो, तुम कैसे घर बैठ सकते हो? और भी क्या करें, जब तक हमें कोई पसंद नहीं आएगा हम नहीं रखेंगे, और तुम्हारी लाडली को मैं हर लड़की से मिलवाती हूँ, कोई पसंद नहीं आती उसे, कोई फैशनेबल है कोई बदसूरत है, और किसी की लिपस्टिक पसंद नहीं, लिपस्टिक लगाने वाली नैनी नहीं चाहिए। आखिर बेटी किसकी है, सिंपल और स्वीट तो मांगेगी ना। आपको पता है मैं सारा को सिंपल और स्वीट कहा करता था। इसीलिए कह रही हूं ना ले आओ कोई सारा जैसी, मेरी भी मुश्किल आसान होगी, मैं सुकून से मर तो सकूंगी। मुझे ये फिक्र खाई जा रही है जब तक मैं हूं तब तक तो ठीक है, उसके बाद क्या होगा? आपा आप इस तरह की बातें तो मत करें, अल्लाह आपको सेहत के साथ लंबी जिंदगी दे। अच्छा जैसी बातें मत करो शाहनवाज, मेरी जान को जो रोग लगा है वो ठीक होने वाला नहीं है, जिंदगी लम्हा बलम्हा कम हो रही है। अभी तक अगर मैं जिंदा हूं तो शायद ऐना की वजह से, वरना कब की जा चुकी होती। भाभी मुझे डर लगता है मैं ऐना को किसी अजनबी औरत के हवाले कैसे कर दूं? भाई जिसे तुम लेकर आओगे वो अजनबी औरत नहीं होगी, माँ लेकर आओगे ऐना के लिए। देखो ना अगर तुम अच्छी गवर्नेंस ढूंढ सकते हो तो फिर अच्छी माँ क्यों नहीं ढूंढ सकते? अच्छा ना आप गुस्सा ना करें, मैं अब हर फ्लाइट पे नजर रखूंगा, प्रॉमिस। 5 साल हो गए मुझे तुम्हारे बहाने सुनते, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी, अब जो भी मुझे और ऐना को पसंद आया उसे तुम्हारी दुल्हन बना दूंगी मैं। अच्छा मैं ऐना को देख लूं वो होमवर्क कर भी रही है कि नहीं। हमेशा टाल जाता है। नताशा मॉर्निंग मॉर्निंग, दोस्ती कर ले। मैं तुमसे पूछा हम दोस्ती कर सकते हैं? कब तक? हमेशा के लिए। सॉरी दर्द हो रहा है। साशा तुम्हें पता मैं भी पूरी रात नहीं सोया, सोचता रहा मेरी वजह से तुम जागी हुई हो।
तुम खुद को कहीं का प्रिंस समझते हो जो मैं तुम्हारे लिए सारी रात जागूंगी? और ये फ्लर्ट मेरे साथ करने की जरूरत नहीं है। तुमसे शादी कर लूंगा ना? मैं किसी से फ्लर्ट नहीं करूंगा। प्रॉमिस। अभी तो तुम उस लड़की के हो ना, इसमें कोई शक नहीं है। हमदर्दी थी यार, और हमारे पास कोई और टॉपिक नहीं है बात करने के लिए। कभी कोई प्यार मोहब्बत की भी बात कर लिया करो। हलियान, मुझे डर लगता है तुम्हारी हमदर्दी से, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम जब भी किसी से हमदर्दी करते हो बहुत एक्सट्रीम पे जाके करते हो, फिर पीछे मुड़ के भी नहीं देखते। एक्सट्रीमिस्ट तो हूँ मैं थोड़ा सा, तुमसे मोहब्बत भी तो एक्सट्रीमिस्ट की तरह ही करता हूँ। मोहब्बत, हलन, तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए सिर्फ एक पेंटिंग के जैसी, जिसे मैं देखकर एंजॉय तो कर सकती हूँ लेकिन फील नहीं कर सकती। तुम फिलोसफर भी बन गई हो। I'm kidding. अच्छा मुझे बताओ, how can I prove myself to you? पता नहीं, मुझे बहुत पेन हो रही है, अंदर चलो। टांग में दर्द हो रहा है। Come on, I'll help you out. Excuse me. आलियान साहब यहीं पे होते हैं? Yes, come in. Please. I am better. Please. आपके ड्यूज तो सारे क्लियर हो गए थे ना? अब तो कोई इशू नहीं है? नहीं, सब कुछ ठीक है। अब्बा जाते जाते भी बहुत कुछ दे गए हमें, मुझे बस आपका शुक्रिया अदा करना था। क्या लेंगी, चाय या कॉफी? कॉफी राइट, दो कॉफी भिजवा दो जल्दी। जॉब लगी आपकी? नहीं, जॉब नहीं मिली। इस बात पर भी आपको ही थैंक्स कहना था। पता नहीं उन लोगों को कैसे पता चला कि आपने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है। वहां पर कोई साहब मुझे ऐसी ऑफर कर रहे थे। कौन थे ये साहब और किस किस्म की ऑफर की बात कर रही हैं आप? नाम बताएं मुझे उनका। सफर कॉफी मंगवाई थी मैंने, जल्दी लाओ। सॉरी, आपसे कोई इस किस्म की बात करी मुझे टॉलरेट नहीं होता। प्लीज जाने दे इस बात को, शायद मेरी किस्मत में ये लिखा है, इसीलिए ऐसा मेरे साथ हो रहा है। मैंने सोच लिया है अब मैं किसी स्कूल में जॉब कर लूंगी, ऑफिस में काम नहीं कर सकती। क्यों? ऑफिस में क्यों नहीं?
आप अगर चाहें तो यहाँ पे भी काम कर सकती हैं। ये कैसे हो सकता है? आपको पता है हम सब लोग कितनी मुश्किल में, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? जैसे कह रहा हूँ, आप अगर यहाँ पे काम करेंगे तो उसमें हर्जी क्या है? अनन, मैं यहाँ पे जॉब नहीं कर सकती, आपको पता है इस बात का, आप समझते नहीं, वो अलग बात है। हाँ, मैं चलती हूँ। अच्छा, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं थैंक्स, मैं चली जाऊंगी। मैं आपको रोक तो नहीं सकता, लेकिन मैं अपने ड्राइवर को बोल देता हूँ, वो आपको ड्रॉप कर देगा। अब प्लीज इस पे नहीं मत कहिएगा। यस, कुछ तो बताओ। तुम तो अब्बा के ऑफिस गई थी ना, वहाँ कुछ हुआ? किसी ने कुछ कहा? बताओ बेटा, मुझे परेशान मत करो। क्या हुआ कुत्सिया? आर्यन भाई ने कुछ कहा? कोई बात नहीं हुई है, मुझसे कोई भी किसी भी किस्म का सवाल ना पूछे, मेरे हाल पे छोड़ दे सब मुझे बस। हम पे किस बात का गुस्सा कर रही हो? हमने क्या किया है? आलियान भाई का गुस्सा है ना, आलियान भाई पे उतारो। गुस्सा मैं अपनी किस्मत पर निकाल रही हूँ, ये भी नहीं कर सकती क्या? कोई काम तो मुझे अपनी मर्जी से करने दे। कसूर तुम्हारा भी है कुत्सिया, सारा इल्जाम किस्मत को मत दो, इसमें तुम्हारी मर्जी शामिल थी, वरना हमारी ख्वाहिश तो कुछ और थी। बस करें अम्मी, आप लोगों की ख्वाहिशों ने मेरी जिंदगी का तमाशा बना दिया। ये निकाह मेरी ख्वाहिश नहीं था, आप लोगों की मर्जी था, और आप लोगों की बदकिस्मती ये है कि इस निकाह की कोई हैसियत नहीं है। वो शख्स मुझे अपने ऑफिस में जॉब तो दे सकता है, लेकिन अपने घर में जगह नहीं दे सकता। अब क्या मैं जाके उससे इस रिश्ते की भीख मांगू जिसे वो कुछ मानता ही नहीं? अम्मी, किस्मत को इल्जाम देना बहुत आसान होता है, लेकिन अपनी गलती को मानना बहुत मुश्किल। मान लें कि आप लोगों की भी गलती है, लेकिन मेरा इतना बड़ा कसूर नहीं था जितनी बड़ी मुझे सजा मिल रही है। अम्मी, अम्मी जब बार बार दिल टूटता है ना, तो बहुत तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है। आप लोग मेरा पीछा छोड़ दें, मुझसे कोई कुछ ना पूछे। कुत्सिया, क्या आलियान भाई ने तुम्हें डिवोर्स पेपर्स के लिए बुलाया था? जो शादी ही नहीं हुई उसकी डिवोर्स का क्या सवाल बनता है? बस करें आप लोग, खुदा के वास्ते मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें। पता नहीं इस लड़की के नसीब में क्या लिखा है। मम्मी, आप भी अपसेट हैं। आप उन्हें तो कुछ ना कहें, आपने देखा नहीं था कि किस तरह वो नताशा की बच्ची आलियान भाई को लेके चलती बनी? उस वक्त भी आप ही ने कितना सबर किया, मेरा बस चलता ना, मैं मुंह नोच लेती। उसे सबर नहीं, जबर कहते। अगर हथियार डाल दिया जाए तो सामने वाले की जीत खुद ब खुद हो जाती है। वो तो अपनी शादी को भी नहीं मान रही, अब हम किसका मुंह नोचेंगे?
पता नहीं क्या होता जा रहा है, जिंदगी अजीब हो गई है। मालिक मकान आए थे, मैं आपको बताना भूल गई थी, किराया बढ़ाने का कह रहे हैं। कुछ सिया को अकेला मत छोड़ा करो, वरना वो रो रो के पागल हो जाएगी। मैं चाय बना रही हूँ, आप लोग चाय पी लें। अब ये कुछ पकाने को भी ला दीजिएगा, फ्रिज में कुछ भी नहीं है। अब तो मेरे पास भी कुछ नहीं रहा। ये जो कैश करवा लीजिए, बाकी ग्रेजुएटी और प्रोविडेंट के पैसे हैं। तुम्हारे अब्बा ने जाते जाते भी किसी का मोहताज नहीं होने दिया। काफी पढ़ी लिखी हो, क्या हुआ? ये देखिए, अब दिखा। इस नाइफ को बहुत पनिश मिलेगी जिसने इतने प्यारे से बेबी को हर्ट किया। चलो ठीक हो गया। मुझे मैंगो खाना था इसलिए मैं मैंगो काट रही थी। मासी मैंगो अच्छे नहीं काटती है। अच्छा ठीक है, आप मुझे मैंगो लाके दे दे, मैं काट देती हूँ, फिर आप उसे फॉक्स से खा लेना। ठीक है, अब जाओ। तो मुझे अच्छी लगी हो, लगता है ऐना को भी पसंद आ गई। एक मसला है, तुम्हें यही रहना होगा हमारे साथ। रह पाओगी? मतलब तुम्हारी फैमिली को तो कोई एतराज नहीं होगा, अच्छे खानदान से लग रही हो, पढ़ी लिखी हो। वैसे तुम्हें किसी भी ऑफिस में जॉब मिल सकती है। हालात अच्छे ना हो तो अच्छे खानदान से क्या फर्क पड़ता है? अब्बा नहीं है, अम्मी और दो बहनें हैं। मेरा जॉब करना बहुत जरूरी है। मैं ऑफिस भी जॉब के लिए गई थी लेकिन शायद मेरा इतना स्टेमिना नहीं है। जहाँ बहुत सारे लोग हों वहाँ मैं काम नहीं कर सकती। मैं समझ सकती हूँ, तुम बहुत मासूम हो और दुनिया मासूम लोगों के लिए बहुत अजनबी है। लो जी, इम्तिहान शुरू हो गया तुम्हारा। आप बेटी की मां नहीं, इसलिए आपको मेरी बेबसी और मेरी बच्ची की महरूमी का एहसास नहीं। लेकिन साहबा को अंदर ही अंदर खुल रही है। उसने हम लोगों की इज्जत की खातिर सारी उम्र की रुसवाई मोल ले ली। कसूर उसका नहीं था, कसूर आपके पोते का था। आपको पता है लोग क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं अमीरजादे ने याशी के लिए निकाह किया था और जब दिल भर गया तो छोड़ दिया। ये आप किस किस्म की बातें कर रही हैं? हमने कभी आपको या आपकी बेटी को कोई उम्मीद नहीं दिलाई। हमने पहले ही दिन इस रिश्ते की हकीकत वाजे कर दी थी आपके सामने। हाँ वो अमीर ज्यादा जरूर है लेकिन अय्याश हरगिज नहीं, और ये बात आपकी बेटी बखूबी जानती है। क्या था अगर वो इस घर के कोने में पड़ी रहती? क्या होता अगर उसको इस घर में पनाह मिल जाती? लेकिन हमने ये फैसला उसकी बेहतरी के लिए किया है। देखिए, ना आलियान इस शादी को मानता है और ना ही हमारा खानदान इस शादी को कबूल करता है। फिर तो ये जुल्म हुआ ना कि वो इस घर के किसी कोने में पड़ी रहती। आप माँ होकर उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हैं? आलियान तो शादी करके अपनी जिंदगी में मगन हो जाएगा, लेकिन
जो दुख, जो कर्ब और जो एहसास से महरूमी कुत्सिया की जिंदगी में आएगा, आपको अंदाजा है उसका? अरे क्या आप चाहती हैं कि वो रोज मरने और जीने के अमल से गुजरती रहे? माजरत चाहती हूं, आप लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं या लोगों के बारे में सोचते हैं। आप में से कोई भी उस मासूम की जिंदगी के बारे में नहीं सोचता। लेकिन ये तलाक का दाग, ये दाग भी तो आप लोग ही लगा रहे हैं ना। बस करें आप दा, आप किस जमाने की बातें कर रही हैं? हमें वो करना चाहिए जो हमारे बच्चों के हक में बेहतर हो। जब कुत्सी और आलियान ने इस रिश्ते को समझा ही नहीं, बरता ही नहीं, माना ही नहीं, फिर दाग का क्या सवाल? देखिए, आपको अपनी बच्ची की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। जब रिश्ता नागवार लगे या बोझ बन जाए तो तलाक बेहतर रास्ता होता है। लेकिन मेरी बच्ची की भलाई इसी में थी कि जिस घर में वो शादी होकर आई थी वहां उसे इज्जत और तहफुज मिलता। लेकिन आप लोगों ने उसके साथ बहुत नाइंसाफी की है। अगर आप चाहती ना तो ये रिश्ता कायम रह सकता था। आपके पोते ने ये रिश्ता तय किया था, आप लोग इसे निभा सकते थे। इतना तो वो आपका कहना मान सकता था ना। अब वो अपनी खुशियों में मगन है और आप लोगों ने भी अपनी हैसियत के मुताबिक रिश्ता जोड़ लिया। लेकिन दुख तो मेरी बच्ची को हुआ है ना। वो इतनी बदकिस्मत नहीं थी जितना यहाँ आकर उसको ग्रहण लग गया। मैं जानती हूँ बार बार ठुकराए जाने का दुख उसे रुलाता है। वो लोग कम जर्फ थे, उसके काबिल ही नहीं थे। लेकिन आप पे और उनमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन हमने उसे नहीं ठुकराया। ये बात आलियान और कुत्सिया के दरमियान पहले दिन से तय थी। चले आप बड़े लोगों की जो मर्जी, मैंने तो सोचा था कि आप भी एक माँ हैं, एक माँ के दर्द को समझेंगी। लेकिन आप बेटी की माँ नहीं, आप तो सब कुछ समझ के भी अनजान बनी रही, तो क्या फर्क पड़ता है? एक मिनट, बेटी की माँ को इतना जज्बाती नहीं होना चाहिए। कभी कभी बात बनते बनते बिगड़ जाती है। जहां तक मैं समझी हूं, आलियान और नताशा की शादी से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या कुत्सिया को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा? फर्क पड़ता है बेगम साहिबा, लेकिन हम लोग सब्र के अलावा कर भी क्या सकते। लेकिन ऐसा ना हो कि मेरी बेटी का सब्र आपके पोते की खुशियों को दाग लगा दे। अम्मी क्या हो गया था आपको? ये क्या किया आपने? अपने हवासों में तो थी ना? नहीं हूं मैं अपने हवासों में, दिमाग खराब हो गया मेरा, पागल हो गई हूं मैं। जब तुम तीनों की शक्लें देखती हो ना तो मेरा दिल फटता है। तुम्हारी तलाक के बाद इनकी किस्मत में भी स्याही फिर जाएगी। और वो जो है ना तुम्हारी शाहीन आंटी, वो अब इस रिश्ते से भाग रही है। पहले तो बातों बातों में आफिया और आदिल की शादी का जिक्र कर देती थी। तुम क्या समझती हो कि तुम्हारे इस नौकरी करने से इस घर के मसले हल हो जाएंगे? नहीं, जब तुम नौकरी के लिए बाहर कदम निकालोगी ना तो तुम्हें दुनिया के संगीन रवैयों का एहसास होगा। आप ये सब कुछ मुझे क्यों बता रही हैं? ये शादी मैंने अपनी मर्जी से नहीं की थी। जो कुछ भी किया आप लोगों के लिए किया था। आज आपने वहां जाके मेरी इज्जत को खाक में मिला दिया। क्या सोचेगी दादो कि मैं उनके पोते के लिए मरे जा रही हूँ? कुछ नहीं सोचती होंगी वो, नहायत संगदिल औरत है। उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पोते ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। मम्मी खुदा का वास्ता है आपको, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे बस। जिन लोगों ने इस हाल तक तुम्हें पहुंचाया ना, उनको भी तो पता चले। तुम मम्मी को कुछ क्यों नहीं समझाती हो?
वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? उन लोगों की दौलत और हैसियत का हमें कोई फायदा नहीं। मैं उस घर चली भी गई ना तो नौकरों से भी बदतर सलूक होगा मेरे साथ। अम्मी को क्यों नहीं समझ आता है? चाची अम्मी आई थी, उल्टी सीधी बातें करके गई हैं। कह रही थी कि सारा कसूर कुत्सिया का है, उसे उनकी दहलीज पकड़कर बैठ जाना चाहिए था और पता नहीं क्या क्या। शायद अम्मी को उनकी बातों पर गुस्सा आ गया और वो वहां चली गई। मुझे तो हैरत है कि उन्हें आलियान भाई का घर कैसे मिल गया। आपसे एक बात पूछो, आलियान भाई ने आपको डिवोर्स तुम्हें क्या लगता है? मेरा दिल कहता है कि नहीं दी, और मेरा दिल भी यही कहता है कि आलियान भाई ने तुम्हें डिवोर्स नहीं दी। दिल दिल की मत सुना करो, दिमाग से सोचा करो। अम्मी को जाके बता दो कि मैं इस घर से जा रही हूँ और मेरी परवाह कोई ना करे, मुझे जॉब मिल गई है तो यहाँ से। नहीं दादो, मेरी ऐसी कोई सोच नहीं है। कुत्सिया की फैमिली से सिर्फ एक ही इंटरेस्ट है मेरा, कि वो मेरी शादी में कोई स्कैंडल क्रिएट ना करें। और फिर आप तो नताशा को जानती हैं, बात बात पे बिगड़ जाती है। मैं तो सिर्फ उसे रिलैक्स करवाना चाहता हूँ, बस यही है। तो क्या यही वजह है डिवोर्स पेपर ना भिजवाने की? नहीं, एक वजह और भी है। खुद से अभी नहीं चाहती कि मैं डिवोर्स पेपर साइन करूं। ओह, तो उसकी माँ ठीक कहती है कि हम उसे एक घर बुलवा लें, क्योंकि उसे तुम्हारी शादी से कोई फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं दादो, इस बात को लेके मैं खुद भी बहुत अपसेट हूँ। दादो, खुद से एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लड़की है, शायद नताशा से भी ज़्यादा। मैं तो खुद ही उसे डिवोर्स देना चाह रहा था पर फिर नहीं कर पाया। उसकी वही रिक्वेस्ट। दादो एक बात बताएं, क्या कोई अपनी फैमिली को लेके इतना कंसर्न हो सकता है? वो तुम्हारे बारे में भी सोचती है, वो तुमसे भी कंसर्न है। मेरे लिए कंसर्न? दादो आप कहना क्या चाह रही हैं? मुझे लगता है आलियान वो तुमसे मोहब्बत करने लगी है, इसीलिए तो अपना नाम तुम्हारे नाम से अलग करना नहीं चाहती। तो आप पता नहीं किस जमाने की बातें कर रही हैं। आजकल के जमाने में नाम शाम से मोहब्बत नहीं होती, लेकिन नाम को इस्तेमाल जरूर किया जा सकता है। कहाँ जॉब मिली? ये कैसी जॉब है कि तुम सामान समेट रही हो? अब तुम सारे फैसले खुद करने लगी हो? क्या इतनी बड़ी हो गई हो? अम्मी मुझे बड़ा हो जाने दे, यहाँ रही तो पागल हो जाऊंगी मैं। और जो तुम मुझे पागल करेगी? मेरी फिक्र ना कीजिए आप, लोगों का सोचे, उनकी परवाह करें। मेरा क्या है, कहीं ना कहीं गुजारा हो ही जाएगा। कुत्सिया बेटा, तू क्यों मेरा दिल जला रही? मैं तो तेरे भले के लिए वहां गई थी, पर तू चार चार शादियां कर लेते। औरत को ही समझौता करना पड़ता है, अपना घर बनाने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। वो तुझे अलग घर में भी तो रख सकता है ना। अम्मी आप सदा से इतनी भोली हैं या अब्बा के मरने के बाद ऐसी हुई हैं? जो घर बना ही नहीं, मैं उसके लिए कुर्बानी क्यों दूं? औरत रिश्ता बचाने के लिए समझौता करती है, मेरे पास तो समझौता करने के लिए कोई रिश्ता बाकी ही नहीं बचा। तो क्या उसने तलाक
तलाक का बोल दिया। हाँ बोल दिया है। अब आप एक ही बार रोने, बकवास है ये कि पाकिस्तान में शादी नहीं हो सकती, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नताशा को समझाने के बजाय तुम उसका फेवर कर रही हो। मैं फेवर नहीं कर रही, मैंने समझाया था उसे। और वैसे सुल्तान, ये ऐसी भी कोई अनहोनी बात नहीं जिस पर इतने हाइपर हो रहे हैं आप। नताशा की और मेरी सारी फैमिली वहां रहती है, आलियान के फ्रेंड्स वहां हैं। और वैसे भी यहाँ मनी एंड टाइम वेस्ट करने की बजाय शादी वहीं करनी चाहिए। आप जरा सोचें, आपके बिजनेस को कितना फायदा होगा और उसके निकाह वाला स्कैंडल नए सिरे से लोगों को याद आ जाएगा अगर यहाँ शादी होगी तो। प्रेस को तो मौका मिलना चाहिए। तुम्हें अरेंजमेंट्स और एक्सपेंसेस का अंदाजा है? आपको एक्सपेंस और अरेंजमेंट की इतनी फिक्र क्यों होने लगी? आखिर आपके अकलौते लाडले बेटे की शादी है। साहब, शमसा खातून आई है आपसे मिलने। शमसा मम्मी से मिलना चाहती हैं? नहीं, उन्होंने बड़ी बेगम साहबा का नाम तो नहीं लिया, लेकिन मैंने उन्हें वैसे ड्राइंग रूम में बिठा दिया है। सुल्तान, वैसे ये बात मेरी समझ में नहीं आती कि इस घर के मुलाजिम भी अपनी मर्जी के फैसले करने लगे। अब ये शमसा कौन है, क्यों आई है और इसने उसे ड्राइंग रूम में बिठा दिया? इस बात का कोई जवाब है आपके पास? जाओ और सुनो, हर एक को इज्जत देने की प्रैक्टिस बंद करो। अब घर में आने वाला हर शख्स मेहमान नहीं होता, कोई जरूरतमंद भी हो सकता है। जाओ। राणा, दुनिया में एक ही शमसा खातून है जिसकी नफरत तुम्हारे चेहरे से झलकती है। सुल्तान, वैसे आप गलत जगह पर रिएक्ट करते हैं। आपको इस वक्त मुझ पर नहीं हैरान होना चाहिए, शमसा पर, उसकी हिम्मत पर हैरान होना चाहिए। और मुझे मुझे तो आपके इत्मीनान पर हैरत हो रही है। क्यों माजी की रात में तभी चिंगारियां भड़काने के लिए आ गई हो? तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अब तुम मेरे हिसाब किताब में कहीं नहीं। सब कुछ वैसे नहीं होता जैसे इंसान चाहता है। जिंदगी और मौत देने वाले की चाहत कुछ और ही होती है। इसीलिए आपका हिसाब किताब गलत हो गया शायद। मेरा हिसाब किताब कभी गलत नहीं होता। तुम्हारे फैसले हमेशा गलत साबित हुए हैं, ये बात तुम भूल रही हो। अब जैसा चल रहा है उसको वैसा ही चलने दो। अब कोई नई डिमांड नहीं होनी चाहिए, ये बात हमारे दरमियान तय हो चुकी थी। सब कुछ आपके तयशुदा फार्मूले पर नहीं चलेगा। मैं जिंदा थी, आपने कहा तुम मर चुकी हो। मेरा बेटा जिंदा था, आपने कहा तुम्हारे लिए वो मर चुका है, और मैंने सुन लिया क्योंकि इसी में उसकी बेहतरी थी। अब मैं क्या करूं? अब तक वो मेरी गोद में हुमकता है, वो मेरे अंदर बसता है, वो मुझे आवाजें देता है। मैं इतने सालों से अपनी मामता पर जबर कर रही हूं, अब नहीं करूंगी। Just shut up.
ये कोई फीचर फिल्म नहीं है कि इख्तिताम पर तुम एक जज्बाती तकरीर करोगी और बेटा तुम्हारे हवाले कर दिया जाएगा। वो सिर्फ एक बात जानता है कि उसकी मां उसे छोड़कर किसी के साथ चली गई। क्यों क्यों जानता है वो? ये झूठ है और आप जानते हैं। आपका मेरा एक मोतबर रिश्ता था, आपको उस रिश्ते की जरूरत नहीं थी, आपने वो रिश्ता तोड़ा। आपको सिर्फ बच्चे से गर्ज थी, मुझसे कोई मतलब नहीं था। ये सब कुछ आपने किया है तो उसको झूठ क्यों बताया? मुझे अपने बेटे से मिलना है, मुझे देखना है कि वो कैसा है, मुझे मिलना है वो कितना बड़ा हो गया है, वो कैसे बात करता है, ये सब कुछ जानना चाहती हूँ। मैं उससे मिले बगैर नहीं जाऊंगी। आलियान तुमसे नहीं मिलेगा, और अगर दोबारा तुम इस मकसद के तहत यहां आई तो मेरे गार्ड्स बहुत बदतमीज हैं, और ये मेरा आखिरी फैसला है कि आलियान तुमसे नहीं मिलेगा। ऐसा मत करें सुल्तान, ऐसे मत करें मेरे साथ, ये जुल्म है। मुझे मेरे बच्चे से मिलने दे। मैं क्या सुकून से मर भी नहीं सकती, मेरा दम अटका ही रहेगा। मुझे उसे मिलना है, मुझ पे रहम कर दे मेरे मालिक, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। आपकी तबीयत तो ठीक है? आप रो रही? सर में दर्द हो रहा है, मैं दबा देती हूँ। ठीक तो है ना? आइए मेरे साथ बैठिए यहाँ पे। अब आपको क्या हुआ है मुझे बताइए। कैसे बताऊं तुम्हें, तुम नहीं समझोगे। इतनी छोटी सी तो तुम इन मामलात को कैसे समझोगी? क्यों नहीं समझूंगी, आप मुझे बताएं। मैं इतनी छोटी भी नहीं हूं, जिंदगी को मैंने भी करीब से देखा है। मैं भी अपनी जिंदगी को करीब से देखना चाहती हूँ, उसे छूना चाहती हूँ, उसे प्यार करना चाहती हूँ, उसे अपने गले से लगाना चाहती हूँ। वो जो मेरा है, मेरी जिंदगी जैसा है, और सब कहते हैं कि उस पर मेरा कोई हक नहीं है। वो जो मेरी जिंदगी जैसा है उस पर मेरा हक है। झूठ बोलते हैं, सब झूठ बोलते हैं। अच्छा, झूठ बोलते। आप खुद को संभालें मैडम। आप कोई मुझे उसकी बातें, उसकी आंखें, उसकी शरारतें ला दो।